कास्टिंग तुम्हारी कैसी हुई? उन दिनों मैं रेपेट्री में थी, एनएसजी रेपेट्री कंपनी में, तो उन दिनों काफ़ी प्लेस चल रहे थे मेरे, कर्मावली, खूबसूरत बहू, कैदे हयात, इस तरह से काफ़ी प्ले. तो एनएसडी का ही जो पास्ट आउट स्टूडेंट टिशू नाम तिग्मांशु धुलिया, वो कास्टिंग डायरेक्टर था इसका, बैंडिट क्वीन का. उसने मुझे कहा कि सीमा तुम कुछ फोटोग्राफ्स दे दो इसके लिए, शेखर कपूर लड़की ढूंढ रही. तो मैंने उनको कुछ फोटोग्राफ दे दिया. फिर शेखर कुछ दिन बाद मिलना चाह रहे थे, मिली, ऐसे पर्सनल बातचीत हुई, मतलब देख रहे थे मुझे, बातचीत होती रही. फिर वो रेपर्टरी कंपनी में आए, रिहर्सल्स देखना, एज एन एक्ट्रेस देखना चाह रहे थे कि किसके लिए वर्क की है क्या. तो रिहर्सल देखने आए दो तीन बार. फिर एक प्ले खूबसूरत बहू डायरेक्टेड बाय रंजीत कपूर, तो वो देखा उन्होंने. इसी बीच काफ़ी बार बातचीत हुई, स्क्रिप्ट और बैंडिट क्वीन किताब ये सब पढ़ रही थी मैं. फिर उन्होंने फाइनली मतलब जिस दिन खूबसूरत वो देखा, फिर नेक्स्ट डे उन्होंने अनाउंस किया कि तुम मेरी फिल्म में फूलन देवी काम करोगी. तो तुमने फिर उस दिन से कैसे प्रिपरेशन शुरू करी, तुम्हारा रिसर्च कैसे था, तुम फूलन से पहले मिली या कैसे तुमने प्रिपेयर करा अपने आप को? मैं फूलन से नहीं मिल पाई. और मैंने क्या किया, पहला काम किया कि मैंने रेपर्टरी कंपनी रिजाइन कर दिया था. फिर जितनी किताबें हैं बैंडिट क्वीन जो किताब है माला सिंह जी की, उसके अलावा देवी एक किताब बाहर की, फिर बंगाली एक किताब उसके तरुण भादुरी की, फिर जितने मतलब देश एक मैगजीन जिसमें सीरीज आते थे बैंडिट के लाइफ के बारे में, तो वो मैंने, और जितने कनेक्शंस हैं ना किताबें या कटिंग्स, वो इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, उस टाइम के जितने कटिंग्स हैं ना फूलन के बारे में, सब मैंने इकट्ठा किया. फिर पढ़ना शुरू कर दिया था, साथ साथ फिजिकल कुछ तैयारी, जॉगिंग वॉगिंग करना, क्योंकि बहुत दुबली होनी थी मुझे. फिर मेंटली मतलब किताब वगैरह में स्टडी करना शुरू किया था. तो नो डाउट इतना एक चैलेंजेबल एक रियल लिविंग कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना है, तो एक्साइटेड होने के साथ साथ मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पर, मुझे मतलब 100% परफेक्ट करना है. तो मैं बहुत मिलना जा रही थी फिल्म से, मगर शायद कुछ पॉलिटिकल कारण था जिसलिए प्रोड्यूसर ने अलाउ नहीं किया, क्योंकि फिल्म वालों का अलाउ नहीं था मिलना. और मुझे लगता है ऐसा एक लिविंग कैरेक्टर और इतना स्ट्रॉन्ग इस तरह का एक रोल पोर्ट्रे करने का मतलब है, ये ऐसा नहीं कि जेल में जाके मैं 5 मिनट 10 मिनट घड़ी देख के मिल के आ जाऊँ वापस, और उससे मुझे लगेगा मैं कहीं की नहीं मतलब जस्टिस नहीं कर पाऊँगी. तो जैसे मुझे अलाउ नहीं था, मैं चाह रही थी कि रियली दिनों महीनों ना हो सके, कम से कम काफ़ी दिन लगातार उसके साथ 24 घंटे बैठूँ. सो मतलब ऐसा नहीं कि मैं पूरा लिस्ट बना के ले जाऊँ और उसको देखूँ, मैनरिज्म पकड़ूँ, क्योंकि मेन चीज़ जो मुझे लगता है बेसिक चीज़ किसी भी रोल के लिए इनर को पकड़ना, और वो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाता है. तो ये इम्पोर्टेंट नहीं लगता कि उसके बाल, हेयर स्टाइल, आँखें, साड़ी कैसे पहनती है, हाथ कैसे मतलब बात करते टाइम हाथ कैसे यूज़ करती है, उस तरह से मुझे नहीं लगता था. या फिर मतलब रियली मुझे बहुत टाइम मिले उसके साथ, तो मैं जस्ट खिड़की से पीपिंग किया मैंने और मिल के आ गए, तो मुझे लिए ऐसा लगता था कि जस्टिस नहीं कर पाऊँगी इस रोल के साथ. तो मैंने क्या किया, नहीं मिल पा रही तो कोई बात नहीं, तो मैं एकदम ज़ीरो से शुरू किया, सारी किताबें पढ़ के मुझे काफ़ी इमेजेस अपने अंदर ग्रो होने लगा. जैसे कि फूलन कहते मुझे कि येलो ब्राइट फ्लावर का इमेज आता था, मतलब जिसको रियली सोसाइटी ने स्मैश कर दिया हो. मुझे अभी भी मतलब कुछ ऐसी इमेजेस, ग्रीन के बीच में एक येलो फूल है और बिंदास मस्ती वाली, मतलब कुछ सोच नहीं, कोई करप्शन नहीं, इनोसेंट बच्चे, एक जो चाइल्ड लाइक क्वालिटी है ना पूरा भरपूर है, जिसमें ना पानी में खेलते, पहाड़ में खेलते, ऐसा इमेज है. रिवाइंस में भी मैं जब घूम रही थी ना, मुझे बहुत बच्चे दिखाई देते थे वहाँ पे, बच्ची भी छोटी छोटी जो रेड शॉर्ट पहने, बदन में कुछ कपड़ा नहीं, सर पे एक अंगोछा बांध के छड़ी लेके ना भेड़ बकरियों के पीछे पीछे भाग रहे थे. रियली ऐसा इमेज आता था जिसको फूलन को अगर कोई आवाज़ दे के फूलन, तो वो क्या ऐसे आवाज़ नहीं देगी, मतलब आवाज़ साउंड क्रिएट, ओह इस तरह से आवाज़ के, इतनी मस्ती वाली लड़की. और जिस
जो ग्रेजुअली ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसके जिससे मेन चीज़ जो है ना, बचपन छीन लिया किसी ने, एक लॉस्ट चाइल्डहुडनेस का इमेज मेरे पास बहुत सामने आता था. सो वो सब मैंने अपने आप अंदर अंदर, मतलब डेली में, जैसे ड्यूरिंग शूटिंग भी, जैसे रोज़ घर पे आके, कमरे में आके स्क्रिप्ट पढ़ती थी, तो काफ़ी अलग अलग इमेजेस इस तरह से आते थे. जैसे एक बच्चा अग्रेली कपड़े नहीं है, न्यूली बॉर्न बेबी जो रो रही है, हेल्प के लिए मतलब चीख रही है, आवाज़ नहीं निकल रही मगर अंदर से ऐसी चीख, मगर मैं, मुझे ऐसा इमेज आता था सामने कि मैं बड़ी फूलन कुछ मदद नहीं कर पा रही, मुझे हेल्पलेस लगता था, मैं कुछ नहीं मदद कर पा रही. तो मतलब इस तरह से काफ़ी इमेजेस मेरे मतलब ग्रो होने लगा, और ग्रेजुअली ऐसा हो गया था कि मैं आई वाज जस्ट लिविंग विद द कैरेक्टर. इस पूरे प्रेपरेशन में जो तुम कह रही हो, तुमने अपने अंदरूनी, तुमने फूलन को अपने अंदर कर लिया था मेंटली और फिजिकली एक तरह से, इस पूरे प्रेपरेशन में शेखर का कितना हाथ था? बहुत, मतलब 100% हाथ था. मतलब रियली एक तो बहुत ही बेसिकली जो मैं कहूँगी कि एक्टर्स डायरेक्टर है शेखर, और बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही उतना ही कोऑपरेटिव है. अगर मैं कुछ कहूँ तो मुझे बांध के नहीं रखते हैं, एग्री करते हैं. अगर यहाँ एग्री नहीं करते हैं मगर उनके पास इतना सॉलिड रीज़न होता है कि आप भी एग्री कर लेते हैं. सो बहुत, मतलब उतना ही इक्वली हाथ था. मतलब मुझे लगता है जितना मैं वहाँ पे अगर सोना या बैठना उठना जागना सब में मैं फूलन में जी रही, तो शेखर भी उतना ही फूलन में जी रहे हैं. किसी सीन के बारे में बताओ, तुमने कैसे प्रिपेयर करा? और मैं स्पेशली कुएं वाले सीन के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में वो हो सकता है तुम्हारे लिए सबसे तुम्हारा मुश्किल सीन था. इस सीन के बारे में एक बात ज़रूर कहूँगी कि कुछ उसमें कुछ मोमेंट्स हैं जो मैंने शूट किया, कुछ मोमेंट्स हैं जो डबल ने शूट किया, मगर मेरे लिए मेंटली ट्रॉमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, ट्रॉमा उतना ही मैंने भी सफ़र किया, चाहे मैंने किया जब मैंने नहीं किया तब भी उतना ही, क्योंकि मैं लड़की होने के नाते मुझे भी उतना ही ह्यूमिलिएट फील होता था. तो वो बहुत, मतलब बार बार मैं उस लड़की की लाइफ मैं भी चली जाती थी फूलन के, कि मुझे लगता था बहुत ही हाई, ये मतलब हाइट ऑफ ह्यूमिलिएशन जो कहूँ ना मैं, वो था उसकी ज़िंदगी का. मतलब जिसलिए मैं 100% एग्री करती हूँ कि ये सीन इतना इम्पॉर्टेंट है फिल्म के लिए भी, क्योंकि ये उसकी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि मतलब रियली हाइट ऑफ ह्यूमिलिएशन. मुझे अभी भी याद करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता. सो बहुत, मतलब चाहे मैंने वो सीन जो भी पोर्शन किया, जो भी पोर्शन डबल नहीं किया, मैं मेंटली रियली इसके बाद भी मैं, मुझे टाइम लगा उससे निकलने में, क्योंकि मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता वो सीन, रियली कह नहीं पाती हूँ कुछ. डबल तुम चाहती थी कि डबल यूज़ हो, क्या रीज़न क्या था कि तुम पूरा सीन अपने आप नहीं करना चाहती थी? पूरा सीन अपने आप नहीं करना चाह रही थी मैं, कोई भी कारण हो, मतलब करना नहीं चाह रही थी. ये जो ट्रॉमा की तुम बात कर रही हो, जो तुम्हारा एकदम, तुमने कैसे ट्रॉमा को कैसे हैंडल करा? क्योंकि कभी ये हो सकता है कि ट्रॉमा इतना बढ़ जाए कि इंसान पोर्ट्रे ही ना कर पाए कैरेक्टर. तुमने कैसे वो अपने आप को उस बैलेंस रखा, हैंडल कैसे किया, और ये कब तक तुम्हारे साथ चलता रहा? क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे ऊपर बहुत ट्रॉमा था बनाने वक्त और उसके बाद भी. मालूम नहीं, मगर फिर भी कुछ मुझे, मेरे लिए ना क्या है, मैं एक तो इस रोल से अलग हट के देख नहीं पा रही कोई भी एक मोमेंट्स को, और मेरे लिए सिर्फ अगर कोई पर्टिकुलर सीन के बारे में, इस तरह के सीन के बारे में बोलते हैं तो ये तो हो गया फिज़िकल प्रेजेंटेशन की बात, मगर मेंटली भी आप काफ़ी कुछ ट्रॉमा से गुजर जाते हैं, वो जो कि वो भी मेरे लिए इक्वली उतना ही भारी था, जो उससे निकलना ज़रूरी महसूस होता था काफ़ी बार.
मगर इस तरह का फिजिकल प्रेजेंटेशन में मुझे जितना प्रॉब्लम मतलब इन द सेंस कि मेंटल लेवल पे होता था, मगर मुझे मालूम है कि एज एन एक्ट्रेस भी मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ड्यूटी है, करके भूल जाओ, ख़त्म करो उसको लेके नेक्स्ट सीन अगर मेरे पास है, कोई सीन और शूट करना है तो मैं उसमें जाना मुझे मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो मेंटली एज एन एक्ट्रेस, प्रोफेशनल एक्ट्रेस होने के नाते मैं तोड़ना था और तोड़ना पड़ा था। अदरवाइज जो आप ट्रॉमा नॉट ओनली इन द पर्टिकुलर सीन, थ्रू आउट जो पूरे कैरेक्टर से निकलना मेरे लिए एक ट्रॉमा, कैरेक्टर को जीना मेरे लिए एक ट्रॉमा था, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे मेरे लिए लगता है। अदरवाइज जो फिजिकल प्रेजेंटेशन सब कुछ, वो तो प्रोफेशनल एक्ट्रेस होने के नाते आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग उतना बनाना चाहिए, अगर आप एग्री कर लें उसको भूल जाओ, किया फिर आप नेक्स्ट सीन में जाओ। मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट है कि आप ईमानदारी से ऑनेस्टली आप अगर किसी रोल को करना चाह रहे हैं कर रहे हैं तो वो प्रायोरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने सुना है ये सीन दो बार शूट हुआ था, कुएं वाला, और बहुत ही, एक बार शामियाना के साथ और एक बार हटा के गाँव वालों के सामने। कैसा मतलब अपने एक्सपीरियंस के अलावा हमें बताओ कि कैसे ये सीन कैसे शूट हुआ, मतलब फिल्म के नज़रिए। कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एक्ट्रेस हूँ, साथ साथ एक ह्यूमन बीइंग भी हूँ, सो मैं नो डाउट मैं चाह रही थी कि कुछ विलेज खाली किया जाए, ऐसा है ऐसा है, मगर वो तो चाहे मैं कोई भी सीन करूँ, मुझे तो मैं इंटीमेट, बहुत इंटीमेट सीन करती हूँ तब भी चाहती हूँ कि मुझे एक प्रॉपर एटमोसफियर चाहिए, मुझे किसी की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अगर उसके लिए शामियाना अगर चाहिए करना है तो कर लो उसका इंतज़ाम। वो किसी भी लव मेकिंग सीन में भी मुझे लगता है उतनी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है चाहे उसका। सो मैं वैसे डिमांड में काफ़ी जगह पे चाहती थी कि मुझे कोई लोग नहीं चाहिए एक्सेप्ट डायरेक्टर एंड कैमरामैन, दो एक जो भी असिस्टेंट्स कुछ भी, और बाकी बहुत ज़्यादा क्रुशियल तो उनके लिए था जो डबल ने किया मुझे लगता है, बहुत ही, क्योंकि बिल्कुल विदाउट शामियाना विलेजर्स के सामने, मगर इतना ज़रूर मुझे नो डाउट बहुत है, मैं बहुत साथ देती थी मैं उनकी, उस लेडी के साथ रहती थी, मतलब मेरी गाड़ी में बिठाती थी मैं, साथ में मेकअप में मैं मदद करती थी, क्योंकि एक्ट्रेस होने के अलावा मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, सो साथ, ताकि मोरली साथ रहूँ उसके साथ में, क्योंकि मुझे सो शामियाना जब नहीं था तब भी जो विलेजर्स का जो ये था ना रियली कोऑपरेशन, वो रियली अनबिलीवेबल, बहुत बहुत अच्छे लोग थे, बहुत ही अच्छे लोग थे, मतलब रियली आप, मैं तो बाहर रह के देख रही थी ना कि अब क्योंकि लुक में ऐसा कुछ नहीं था कि औरत है कैसे जा रही है, ऐसा है, बहुत मैं डर रही थी, खासकर ऐसे गांव में जा रहे हैं जो पता नहीं औरत भी वायलेंटली रिएक्ट करे या आदमी भी वायलेंटली रिएक्ट कर सकते हैं या अलग ढंग से भी रिएक्ट कर सकते हैं, उसको एंजॉय भी कर सकते हैं, मगर नहीं, बहुत न्यूट्रल थे। और मेरे ख्याल से एक तो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, मतलब उस सेंस में, क्योंकि उनको खड़ा होना था, बाकी तो वहाँ की औरतें वैसे भी इस ढंग से नहाते हैं, कोई किसी को भी मतलब इस ढंग से गंदे नज़र से देखती भी नहीं है। अब जो तुम फिल्म ख़त्म हो चुकी है, मैं वापस आऊँगी फिल्म के बारे में, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ अब जो फिल्म ख़त्म हो चुकी है तो तुम्हें देख के कैसे लग रहा है फिल्म को? पूरी फिल्म देख के तो अलग लग, मतलब रियली शेखर ने बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है, रियली मतलब डायरेक्टर और अशोक जी का जो काम है कमाल है, और एज एन एक्ट्रेस अगर मेरा काम बोलूँ ना, मैं बहुत ऐसा लगता है कि यार मैं इससे और बेहतर कर सकती थी एज एन एक्ट्रेस, ऐसा लगता है मैंने तो इतना कुछ सोचा था उस टाइम में ड्यूरिंग दैट मोमेंट ड्यूरिंग दैट सीन कि अरे ऐसे ऐसे कितना कितना कुछ पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ ये सब हस्की वॉइस निकालना है कुछ सब कुछ मिला के मेंटल इन्वॉल्वमेंट
खुश नहीं होती हूँ. मतलब पहला स्क्रीन जैसे देखा मैं डिस्टर्ब हो गई कमरे में, मैं इससे अच्छा कर सकती थी ऐसा.